अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू टू ऑल। आज मैं आपके साथ अपनी चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बेसिकली चाय सबको ही बनाने आती है, लेकिन मैंने सोचा आज आपके साथ अपनी रेसिपी भी शेयर करूँ, क्योंकि चाय जो है वो लोग तीन तरीके से बनाते हैं। एक लोग दूध पत्ती पसंद करते हैं, दूध में पत्ती डालकर। एक जो है वो पानी के अंदर चीनी पत्ती डाल के बीच में जो है दरमियान में दूध ऐड करते हैं। एक वो चाय होती है और एक ऐसी चाय होती है कि पानी के अंदर ही दूध पत्ती चीनी सब डालकर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आज मैं जो हूँ अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। कुछ गर्ल्स ऐसी हैं टीनेजर जिनको अभी चाय बनाने भी नहीं आती है, तो वो मेरी वीडियो देख सकती हैं और आई होप कि उनको अच्छी हेल्प मिल सकती है। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब ये है कि चाय के लिए मैंने जो पानी लिया था उसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए, बिल्कुल ठंडे पानी में पत्ती डालते हैं तो चाय का टेस्ट थोड़ा कच्चा कच्चा आता है पकने के बाद भी। तो हम पानी को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी हो जाएगा, फिर हम इसमें पत्ती और चीनी अपने हिसाब से ऐड करेंगे। जैसे मैं तकरीबन 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने उस हिसाब से वाटर ले लिया है, पानी ले लिया है, तकरीबन 4 से 5 या 6 कप कह लें इतना अंदाज़न ये पानी है। और इसके अंदर अब मैं पत्ती ऐड करूँगी। मैं जैसे कि हमारे घर में स्ट्रॉन्ग चाय पसंद की जाती है, तो मैं स्ट्रॉन्ग जो है चाय के हिसाब से पत्ती स्ट्रॉन्ग करूँगी। तो मैं अभी ऐड करती हूँ इसके अंदर। ये 1 टेबल स्पून है, 1 चम्मच भर के जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और 1 आधा। तकरीबन 1.5 स्पून मैंने भर के जो है वो पत्ती का ऐड किया है, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग पसंद है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, शुगर भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। पत्ती और चीनी मैंने ऐड कर दी है। अब देखिए ये जो ऊपर झाग आ रही है, यानी कि पानी पहले से थोड़ा सा गर्म था और अब ये पकने के साथ साथ और अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्स्चर इसमें आएगा। और इसको तकरीबन हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, यानी नॉर्मल फ्लेम पे इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि हमारा कावा जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। इसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। कावे को जो है वो मैंने ढक के रख दिया है। अब ये जब पक जाएगा तो उसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगी। बेसिकली लोग जो हैं वो पसंद करते हैं इलायची के साथ, तो इलायची जिन लोगों को टेस्ट पसंद है वो इसी कावे के अंदर 1 इलायची भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं। सो अब जब ये कावा रेडी होगा, फिर मैं आपको इसमें दूध ऐड करके बताऊँगी और अपने चाय का जो टेक्स्चर है वो आपके साथ शेयर करूँगी। जी फ्रेंड्स, तो कावा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम दूध ऐड कर रहे हैं, दूध भी हम हिसाब से ऐड करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगा। मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो पूरा भर के दूध का ऐड किया इसमें। अब हम इसको हल्की सी आंच पे 1 उबाल देंगे, और उबाल देने के बाद हमारी चाय रेडी हो जाएगी। जी तो नाज़रीन, इस तरीके से आपके चाय में उबाल आने लगे तो समझ जाएं आपका कहवा और आपकी चाय वो अच्छे से पक चुकी है और वो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कप में निकाल रही हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने चाय का लास्ट टेक्सचर के वो कैसी बनी है। सो गाइस, टी इज़ रेडी नाउ, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सचर आया है चाय का। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप भी चाय बनाएं और बिस्किट्स के साथ अपनी इवनिंग को, अपनी शाम को हसीन बनाएं, खुशगवार बनाएं और मज़े मज़े की चाय पीजिए। आई होप आपको मेरी आज की ये चाय की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करें, मैं एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको नई वीडियो मेरी मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।